हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टॉप गन मूवी को। ये कहानी है पीट मार्वरिक की। ये US नेवी की पायलट की ट्रेनिंग ले रहा है और ये अपने बैच का सबसे जोशीला बंदा है, जो एक से बढ़कर एक कारनामे दिखाता है। और जब वो अपने दुश्मन को मार गिराने की ठान लेता है तो वो किसी की भी नहीं सुनता। लेकिन मार्वरिक के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो खुद से नफरत करने लगता है। अब कहानी के शुरू होते ही हमें पता चलता है कि 3 मार्च 1969 को अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक स्कूल की स्थापना करी, जहां पर सबसे बेहतरीन पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती थी और उन्हें बहुत बेहतरीन बनाया जाएगा। आज सभी नेवी वाले लोग इसे फाइटर वेपन स्कूल के नाम से जानते हैं, लेकिन जितने भी पायलट्स हैं उनके लिए ये संस्था एक ही नाम से जानी जाती है और वो नाम है टॉप गन। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम एक समुद्र देखते हैं। इस समुद्र के बीचों बीच एक बड़ी सी जहाज खड़ी होती है जहां एयरफोर्स वाले ऑफिसर्स होते हैं। अभी अभी इनके इलाके में VIC-28 नाम का एक फाइटर प्लेन घुस आया है और इससे पीछा छुड़ाने के लिए एयरफोर्स से दो लोग जाते हैं जिनका नाम है कूपर एंड मार्वरिक। अब जब ये इस प्लेन का पीछा करते करते ऊपर की तरफ जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ऐसे VIC-28 प्लेन्स बहुत सारे हैं आसमान में। अब मार्वरिक एक प्लेन पर अपना निशाना लगाता है, लेकिन जब तक वो फायर करता तब तक वो प्लेन वहाँ से जा चुका होता है। अब तक कूपर को भी अपना निशाना मिल चुका होता है, लेकिन अब इनके सीनियर्स इनको हमला करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये अननोन प्लेन्स ज़रूर है, लेकिन हम पहले इन पर हमला नहीं कर सकते, और इसीलिए वे लोग उनका ऐसे ही पीछा करते रहते हैं। अब धीरे धीरे यहाँ पर माहौल बिगड़ने लगता है और इसीलिए कूपर को डर लगने लगता है, लेकिन मार्वरिक को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो यहाँ पर अपने कर्तव्य दिखाने शुरू कर देता है। वो अपने प्लेन को उल्टा करता है और VIC-28 के पास जाकर उसकी तस्वीर खींचता है। और अब धीरे धीरे वो सारे VIC-28 यहाँ से जाने लगते हैं और इसीलिए इनके सीनियर्स इनको ऑर्डर देते हैं कि वो वापस लौट आए। तभी हम गूस को देखते हैं जो मार्वरिक का साथी है। वो मार्वरिक को बताता है कि अब हमें लैंड करना होगा, लेकिन कूपर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो इसीलिए लैंड नहीं कर पाता। तो मार्वरिक उसके पास जाता है और उससे कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ, और ये कहकर वो उसे गाइड करता है और उसको भी लैंड करवा देता है। और लैंडिंग करते ही कूपर पहुँचता है अपने सीनियर्स के पास। उसके सीनियर्स उससे कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया था ऊपर कि तुम लैंडिंग नहीं कर पा रहे थे। तो कूपर कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और अब मुझे लगता है कि मैं कभी भी प्लेन नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि आज मैं मरते मरते बचा हूं, और अगर आज मैं मर जाता तो मेरा होने वाला बच्चा मेरी कभी शक्ल ही नहीं देख पाता, इसीलिए मैं इस जॉब को छोड़ रहा हूं। इस बात को सुनने के बाद उसका सीनियर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कूपर तो उसकी एक भी नहीं सुनता और वो अपनी जॉब छोड़ करके चला जाता है। तभी यहाँ पर मार्वरिक और गूज आते हैं। इनका सीनियर मार्वरिक का शुक्रिया अदा करता है कि वो आज कूपर को सही सलामत नीचे ले आया, और इतनी तारीफ के बाद वो मार्वरिक पर गुस्सा भी करता है कि तुम हमेशा नियमों का उल्लंघन करते हो, अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। जब हमने तुम्हें लैंडिंग करने के लिए कहा था तब तुम वहाँ पे अपने कर्तव्य दिखाने लगे, और तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें आज तक प्रमोशन नहीं मिला, जबकि तुम्हें कब का ही प्रमोशन मिल जाना चाहिए था, क्योंकि तुम शानदार पायलट हो, लेकिन हर बार अपनी हरकतों की वजह से तुम पीछे रह जाते हो। अब उनका सीनियर उनसे कहता है कि मुझे ना चाहते हुए भी तुम दोनों को टॉप गन भेजना होगा। तुम्हें वहाँ पर 5 हफ्तों के लिए रखा जाएगा और वहाँ तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट्स के साथ उड़ान भर पाओगे, और साथ ही तुम्हें वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इसलिए तुम वहाँ जाने की तैयारी करो। इस बात को सुनने के बाद वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और जल्द ही पहुँच जाते हैं टॉप गन। अब हम टॉप गन का दृश्य देखते हैं, जहां इनका टीचर इन्हें बताता है कि आपको 5 हफ्तों में बहुत बेहतरीन बनाया जाएगा और आप लोग जैसे ही यहां से पास आउट हो जाओगे आपको सेना में भर्ती किया जाएगा। अब हम यहां पर टॉप गन के इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जिसका नाम है माइक। माइक सभी को यहाँ पर उनका रूटीन बताता है कि हर रोज़ इनकी क्लासेस होगी और हर दिन इनको 2 बार उड़ान भरने का मौका मिलेगा, और उड़ान के समय इनका प्रदर्शन जैसा भी होगा वैसे ही इनको नंबर दिए जाएंगे, और 5 सप्ताह के बाद इनके नंबरों को जोड़ा जाएगा और जिसका नंबर सबसे बेहतरीन होगा उसको टॉप गन से ट्रॉफी दी जाएगी और उसे वैसा ही ओहदा भी दिया जाएगा। अब सारे लोग यहाँ पर सारे नियमों को समझ जाते हैं। अब वो शाम के समय पार्टी करते हैं। तभी गूस उसे सभी के बारे में बताता है और बताता है कि अभी यहाँ पर सबसे बेहतरीन पायलट कौन है। उसका नाम है टॉम।
जिसका कोड नेम है आइसमैन, और सभी लोग यहाँ पर आइसमैन की बहुत तारीफ करते हैं। तभी आइसमैन आता है मैवरिक के पास। वो इसे बहुत एटीट्यूड दिखाता है, लेकिन मैवरिक का एटीट्यूड भी किसी से कम नहीं, और इसीलिए वो आइसमैन को इग्नोर करता है। तभी गूज यहाँ पर मैवरिक के साथ मस्ती करने लगता है और उसे एक लड़की दिखाता है। कहता है कि अगर तुम उसे पटा लोगे तो मैं तुम्हें $20 दूंगा। इस पर मैवरिक कहता है कि ठीक है और चला जाता है उस लड़की के पास और गाना गा करके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। इस लड़की का नाम है शार्लेट और सब इसे चार्ली बोलते हैं। अब मैवरिक के साथ सभी लोग भी गाना गाने लग जाते हैं, तो चार्ली उससे इम्प्रेस हो जाती है। अब वो मैवरिक को अपने पास बैठाती है, इसीलिए दोनों के दरमियान बातें होती है। चार्ली यहाँ मैवरिक को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती, लेकिन वो मैवरिक से हर चीज़ जानना चाहती है और मैवरिक उसे अपनी उड़ान के बारे में बताता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद चार्ली अपनी दोस्त के पास चली जाती है। मैवरिक उसे देखता रहता है। अब चार्ली चली जाती है वॉशरूम में और मैवरिक उसके पीछे पीछे चला जाता है और उस पर लाइन मारने लगता है। कहता है कि तुम्हें अपने दोस्त के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ समय बिताना चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद चार्ली मैवरिक से मजाक करती है और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चली जाती है। और जाते जाते वो गूज से कहती है कि तुम्हारा दोस्त कमाल का है, ताकि गूज को लगे कि वो दोनों इंटीमेट हुए, ताकि मैवरिक गूज से लगी हुई शर्त को जीत जाए, क्योंकि चार्ली को उस शर्त के बारे में पता था, इसीलिए मैवरिक इस शर्त को जीत जाता है। फिर अगले दिन ये लोग पहुँचते हैं टॉप गन। तभी हम वहाँ पर फिर से चार्ली को देखते हैं। इनको बताया जाता है कि चार्ली इनकी इंस्ट्रक्टर है और इसके साथ ही वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी है। और ये सुनने के बाद मैवरिक को हंसी आती है और वो खुश भी होता है। अब चार्ली अपनी क्लास को शुरू करती है और वो MiG-28 के बारे में बताने लगती है। तब मैवरिक कहता है कि आपकी जानकारी गलत है, MiG-28 में कुछ और भी चीज़ें होती हैं। तब चार्ली उससे पूछती है कि तुमने MiG-28 को कहाँ देखा। तो मैवरिक बताता है कि मैंने उसको हिंद महासागर में उड़ान भरते हुए देखा। तो चार्ली पूछती है कि क्या तुम ही वो पायलट हो जिसने अपनी प्लेन को उल्टा करके MiG-28 की फ़ोटो क्लिक करी। इस बात पर मैवरिक हंसकर बोलता है कि हाँ, और इस बात को सुनकर चार्ली बहुत इम्प्रेस होती है। अब इनको पता चलता है कि इनका उड़ान का समय हो चुका है, इसीलिए क्लास से सारे लोग बाहर निकल जाते हैं। और जब मैवरिक यहाँ से जा रहा होता है तो चार्ली उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, ये बहुत बहादुरी का काम है कि कोई भी प्लेन को उल्टा करे और इसके बाद वो MiG-28 जैसे प्लेन का मजाक उड़ाए। और इतना कहने के बाद वो कहती है कि उसे MiG-28 के बारे में और भी जानकारी चाहिए, क्योंकि वो उसके बारे में लिखना चाहती है। तो मैवरिक कहता है कि तुम्हें तो पढ़ने का बहुत शौक है, तो तुम्हें उसके बारे में पढ़ना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। अब ये सारे लोग आसमान में होते हैं, इन्हें एक दूसरे पर निशाना लगाना होता है और जो सबसे ज़्यादा निशाने लगाएगा उसे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। और यहाँ हम देखते हैं कि आइसमैन मैवरिक के पीछे पड़ जाता है। वो मैवरिक पर निशाना लगाकर उसे नीचा दिखाना चाहता है, पर मैवरिक पर निशाना लगाना इतनी आसान बात नहीं है। अब जैसे ही आइसमैन मैवरिक पर निशाना लगाता है, मैवरिक अपने करतब दिखाने लग जाता है और इसी दौरान आइसमैन का प्लेन आगे निकल जाता है और मैवरिक उस पर निशाना लगाने लग जाता है। अब इन्हें ऑर्डर्स आते हैं कि इन्हें वापस आना है, इसीलिए ये लैंडिंग करने लगते हैं और इसीलिए मैवरिक गुस्से में लैंडिंग करता है, जिसकी वजह से एक ऑफिसर बहुत डर जाता है और उस पर उसकी चाय गिर जाती है और वो गुस्सा हो जाता है। अब चेंजिंग रूम में आइसमैन मैवरिक से बोलता है कि तुम बहुत खतरनाक हो। अब इसी दौरान इन दोनों के बीच में कुछ नोकझोंक सी हो जाती है, लेकिन मैवरिक यहाँ पे खुश होता है क्योंकि वो देख रहा है कि आइसमैन कहीं ना कहीं उससे डरने लगा है। तभी गूज और मैवरिक को ऑफिस से माइक का बुलावा आता है और वो पहुँचते हैं ऑफिस में माइक के पास। माइक मैवरिक को बहुत डांटता है और कहता है कि ये बदतमीजी है, तुमने टावर के पास से प्लेन को क्यों उड़ाया, वहाँ से बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं और अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो तुम्हें सजा दी जाएगी। माइक यहाँ पे मैवरिक से ये भी कहता है कि तुमने 10,000 फीट से नीचे प्लेन को उड़ाया, जो बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। मैवरिक इन बातों को सुनता रहता है। अब माइक उसको जाने के लिए कहता है और मैवरिक के जाते ही माइक अपने साथी से कहता है कि उसने मैवरिक के पिता के साथ उड़ान भरी थी और वो भी एक शानदार पायलट थे, और वही सेम जोश मैवरिक के अंदर भी है और इसीलिए मैवरिक का अंदाज इन्हें बहुत पसंद आता है। फिर अगले दिन मैवरिक की मुलाकात फिर से चार्ली से हो जाती है और वो उसकी यहाँ तारीफ करती है, तो मैवरिक उसे डिनर के लिए पूछ लेता है। तो चार्ली बोलती है कि वो स्टूडेंट्स के साथ डिनर पर नहीं जाती, और इतना कहकर वो एक पेपर पर समय और जगह का नाम लिख देती है और वो पेपर मैवरिक को दे करके चली जाती है। फिर मैवरिक भी समझ जाता है कि वो डिनर पर जाने के लिए रेडी है। अब वो शाम होने का इंतज़ार करता है और शाम में जब वो वॉलीबॉल खेलता है तो उसे याद आता है कि उसे अभी डिनर पे जाना है,
और इसीलिए वो अपने गेम को आधा छोड़ देता है और अपनी बाइक लेकर के निकल जाता है और पहुंचता है चार्ली के घर और चार्ली से सॉरी कहता है कि वो लेट हो गया। अब चार्ली उससे मिग 28 के बारे में पूछने लगती है और कहती है कि अगर उसने अपनी रिसर्च जो मिग 28 पर है उसको पूरा कर लिया तो उसे प्रमोशन मिलेगा। तभी मैवरिक उसे अपनी कहानी बताता है और कहता है कि उसके पिता भी एक पायलट थे, लेकिन जब वो बहुत छोटा था तो उसके पिता एक उड़ान के दौरान गायब हो गए और मैवरिक की ज़िंदगी भी एक उड़ान ही है। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। और अगले दिन अब चार्ली उसे फिर से मिलती है तो वो मैवरिक को बताती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट्स को घर पे नहीं बुलाती। मैवरिक उसकी बात को सुनता है और वो समझ जाता है कि चार्ली उससे प्यार करने लगी है। फिर अगली सुबह गूस की पत्नी यहाँ पहुँचती है अपने बच्चों के साथ और गूस की पत्नी मैवरिक को बहुत पसंद करती है और गूस भी उसे चार्ली के बारे में बताता है और इसीलिए वो आते ही मैवरिक को चार्ली के बारे में पूछने लगती है। अब फिर से हमें क्लासरूम का दृश्य दिखाया जाता है जहां हम चार्ली को देखते हैं जो सभी को डिफेंस टेक्निक सिखा रही होती है। वो सबसे कहती है कि मैवरिक ने जो अपनी प्लेन को उल्टा किया था वो एकदम गलत था, अगर आप ऐसा करेंगे तो एक बार में दुश्मन आपको उड़ा देगा। ये सुनने के बाद आइसमैन मैवरिक पर हंसने लगता है और मैवरिक को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए जब वो क्लासरूम से बाहर निकलता है तो चार्ली उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन वो चार्ली से दूर भागने लगता है और अपनी बाइक पर बैठकर यहाँ से भाग जाता है। तब चार्ली भी उसका पीछा करते हुए निकल जाती है और उसके पास जाकर बोलती है कि मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग है। पर्सनल लाइफ में मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन क्लासरूम में मैं सभी से ये नहीं कह सकती कि तुम एक बेहतरीन पायलट हो, और अगर मैंने क्लासरूम में ऐसा किया तो सबको पता चल जाएगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस तरह से चार्ली यहाँ पर मैवरिक से अपने प्यार का इजहार कर देती है और इन बातों को सुनने के बाद मैवरिक को बहुत अच्छा लगता है। फिर ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और इसके बाद मैवरिक पहुँचता है एकेडमी जहाँ पर इन्हें उड़ान के लिए भेजा जाता है। अब मैवरिक को पता चलता है कि वो एक अच्छा दावेदार है यहाँ की ट्रॉफी जीतने के लिए और आइसमैन भी उसकी टक्कर का है और इस उड़ान में आज आइसमैन भी उसके साथ है, इसीलिए एक टक्कर की उड़ान ये होती है क्योंकि जो आज आगे जाएगा वो आगे निकल जाएगा, इसीलिए इनके सीनियर्स भी इनके साथ होते हैं। लेकिन हॉर्न बजाने के बाद मैवरिक बहुत जोश में आ जाता है और वो भूल जाता है कि उसके साथ उसका साथी भी है और इसीलिए वो गूस को छोड़ करके आगे निकल जाता है और वो आइसमैन का पीछा करने लगता है। और जब वो आइसमैन पर निशाना साधने ही वाला होता है तो उसे पता चलता है कि उसके सीनियर ने उस पर निशाना साध दिया है और इसीलिए वो आउट हो चुका है। और जब वो नीचे आते हैं तो मैवरिक का सीनियर उसके पास आता है और कहता है कि एक बात को याद रखना, जो भी हो अपने साथी को कभी भी पीछे मत छोड़ना। तभी आइसमैन फिर से मैवरिक को बोलता है कि तुम वाकई में बहुत खतरनाक हो, तुम्हें अपनी इस आदत को ठीक करना पड़ेगा। और अब मैवरिक को एहसास होता है कि उसने आज बहुत गलत किया। फिर शाम के समय ये लोग एक जगह होते हैं, यहाँ पर गूस का परिवार, चार्ली और मैवरिक भी होते हैं। ये सब लोग एक साथ बहुत खुश नजर आते हैं। तभी गूस की पत्नी चार्ली को बताती है कि मैवरिक चार्ली से बहुत प्यार करता है। फिर अगले दिन ये एक बार फिर से उड़ान भरने जाते हैं और आज गूस बहुत ज्यादा जोश में होता है। वो मैवरिक से कहता है कि आज तुम आइसमैन को हरा दो और बन जाओ यहाँ के सबसे टॉप पायलट, और इसीलिए वो दोनों आइसमैन के पीछे लग जाते हैं। अब ये लोग आइसमैन को हराने ही वाले होते हैं तभी इनके विमान का एक इंजन बंद हो जाता है और वो इनसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और ऐसे ही देखते दूसरा इंजन भी बंद हो जाता है और इसी वजह से ये लोग नीचे गिरने लगते हैं। तब इन्हें पैराशूट से बाहर निकलना होता है लेकिन इनका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन जब सीट पैराशूट के साथ बाहर जाता है तो बहुत तेज झटका लगता है और उस टाइम पर अपने सर को बचाना होता है, लेकिन इस अफरा तफरी में गूस से ये गलती हो जाती है और जब वो पैराशूट को लेकर बाहर निकलता है तो उसके सर पर चोट लग जाती है और फिर ये लोग गिर जाते हैं समंदर के अंदर। मैवरिक पहुंच जाता है गूस के पास, वो गूस को पानी से ऊपर लेकर आता है, लेकिन तब तक गूस की मौत हो चुकी थी। और अब यहाँ पर रेस्क्यू टीम भी आ जाती है जो इन्हें लेकर के बाहर निकलती है। अब सभी को पता लग गया है कि गूस मर चुका है और इस चीज़ का बहुत गहरा सदमा लगता है मैवरिक को। उसे लगता है कि उसकी गलती की वजह से गूस की मौत हुई है, इसीलिए वो डिप्रेशन में चला जाता है। माइक आता है उसके पास उसे समझाने के लिए कि ऐसी घटनाएं होती रहती है। जब माइक वियतनाम में था तो उसने भी अपने कई साथियों को खोया है, लेकिन इससे उसकी ज़िंदगी खत्म नहीं हुई थी। अब मैवरिक कहता है कि गूस की जान बचाना मेरी जिम्मेदारी थी जिसमें मैं फेल हो गया। अब मैवरिक के पास चार्ली आती है। मैवरिक चार्ली से भी यही कहता है कि गूस मेरी गलती से मरा। अब इस बात की कार्यवाही शुरू हो जाती है। कार्यवाही में ये नतीजा निकलता है कि इसमें मैवरिक की कोई गलती नहीं है। प्लेन हादसों में हमेशा ये होता रहता है, ये सब इंजन फेल होने की वजह से हुआ।
इसीलिए तुम पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी और हमने डिसाइड किया है कि तुम उड़ान पर जा रहे हो। अब जल्द ही मैवरिक को उड़ान के लिए भेजा जाता है, लेकिन हवा में जाने के बाद आज वो खोया खोया सा रहता है। उसे बार बार गूस की याद आती है। इसके बीच में इसका साथी बार बार निशाना लगाने के लिए कहता है, लेकिन मैवरिक एक भी निशाना नहीं लगा पाता क्योंकि अब उसके अंदर का जोश मर चुका है। लैंडिंग करने के बाद उसका साथी उससे कहता है कि आज हम इजीली बहुत लोगों को हरा सकते थे। इस पर मैवरिक को गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है कि प्लेन को कैसे उड़ाया जाता है और निशाना कैसे लगाया जाता है। तभी चेंजिंग रूम में उसके पास आइसमैन आता है और कहता है कि उसे गूस की मौत का अफसोस है, और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। अब मैवरिक गूस की सारी चीज़ें लेकर उसकी पत्नी के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी की हालत ख़राब है और उसके बच्चे की भी। और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मैवरिक और उदास हो जाता है। फिर गूस की पत्नी भी रोने लगती है और इन सारी चीज़ों के बाद मैवरिक डिसाइड करता है कि वो अब नेवी को छोड़ देगा। अब ये बात चार्ली को पता चलती है। वो पहुँचती है मैवरिक के पास और उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम इस अकेडमी के सबसे बेहतरीन पायलट हो और इसीलिए तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। तुम आगे बहुत सारे कारनामे करने वाले हो। लेकिन मैवरिक ने अब यहाँ पर डिसाइड कर लिया है कि वो नेवी को छोड़ेगा, इसीलिए वो यहाँ से जाने से पहले माइक से मिलता है और माइक मैवरिक को सारी बातें बताता है कि उसने उसके पिता के साथ उड़ान भरी थी और उसके पिता एक बहुत ही शानदार पायलट थे और जब उनकी मृत्यु हुई तो वो चाहते तो अपने आप को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को नहीं बचाया बल्कि ज़्यादा लोगों को बचाने की सोची और उन्होंने बहुत सारे लोगों को बचाया और इसी चीज़ में उनकी जान चली गई। और अब वही जोश मुझे तुम्हारे अंदर नज़र आ रहा है। तुम भी हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो और अगर आज तुम्हारे पिता यहाँ होते तो वो भी तुमसे यही कहते कि तुम ये छोड़कर मत जाओ। इन बातों से मैवरिक को बहुत साहस मिलता है। अब वो पहुँचता है अपनी अकेडमी जहाँ पर कॉन्वोकेशन हो रही होती है। सभी लोग पास हो चुके हैं और ऑफिसर्स बन चुके हैं, लेकिन इस बैच का टॉपर है आइसमैन और सभी लोगों को पता है कि अगर मैवरिक के साथ वो हादसा न हुआ होता तो आज वो यहाँ का टॉपर होता। अब मैवरिक भी आइसमैन को बधाई देता है। तभी इनको पता चलता है कि एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। एयरफोर्स को हमारी तुरंत ज़रूरत है क्योंकि एयरफोर्स का एक विमान दुश्मन के इलाके में फंस चुका है और वहाँ पर मिग प्लेन्स भी हैं और वो जगह भी बहुत खतरनाक है और इसीलिए कुछ लोगों को उस विमान को छुड़ाने के लिए वहाँ जाना होगा, जिसमें मैवरिक का भी नाम आ जाता है और मैवरिक भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जब सारे लोग जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो आइसमैन ऑफिसर से कहता है कि मैवरिक को ले जाना अभी भूल होगी क्योंकि वो अभी अपने आपे से बाहर है। अब शुरू में सिर्फ दो प्लेन्स को भेजा जाता है जिनमें आइसमैन और हॉलीवुड होता है और मैवरिक को नीचे इमरजेंसी के लिए रखा गया होता है। अब ये लोग वहाँ से सोच के आए थे यहाँ पर सिर्फ 4 मिग प्लेन्स हैं, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं बल्कि 5 मिग 28 प्लेन्स हैं और इसीलिए वो जल्दी ही हॉलीवुड को उड़ा देते हैं और वो आइसमैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और इस पर आइसमैन कहता है कि अब मैं फंस चुका हूँ और अब मैं यहाँ से नहीं निकल पा रहा हूँ। फिर ये लोग भेजते हैं मैवरिक को, लेकिन मैवरिक ऊपर जाते ही घबरा जाता है। उसे फिर से वही सब कुछ दिखाई देने लगता है और एक समय ऐसा आ जाता है जब मैवरिक वापस जाने की सोचने लगता है। तभी उसमें हिम्मत आती है और वो समझता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है और फिर वो अपना कर्तव्य दिखाना शुरू कर देता है। वो घूमता हुआ आता है और एक प्लेन से आगे निकल जाता है और जब तक वो प्लेन संभल पाता वो उस प्लेन को उड़ा देता है और यहाँ पर वो आइसमैन को गाइड करने लगता है और इस तरह मैवरिक के गाइडेंस पर आइसमैन भी एक प्लेन को उड़ा देता है। अब मैवरिक आइसमैन से कहता है कि मैं जैसा कहूँ तुम वैसा करो, अब तुम दाएं मुड़ो। और जैसे ही आइसमैन दाएं मुड़ता है मैवरिक निशाना लगा देता है, लेकिन वो प्लेन फिर आगे जाने लगता है पर फिर भी मैवरिक उसे नहीं छोड़ता और ब्लास्ट कर देता है। अब चौथा प्लेन मैवरिक के पीछे पड़ चुका है और वो उसके पीछे एक मिसाइल भी छोड़ देता है, लेकिन मैवरिक जानता है कि उसे कैसे बचना है। जैसे ही वो मिसाइल उसके पास आती है वो अपने प्लेन को स्लो कर देता है और वो मिसाइल आगे निकल जाती है और अब वो चौथे प्लेन को भी उड़ा देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद बाकी के जो यहाँ प्लेन्स होते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं और इस तरह ये इस युद्ध को जीत जाते हैं। इस पर सभी बहुत खुश हैं और इसीलिए ये लोग अब लैंड करते हैं। अब आइसमैन और मैवरिक दोनों पास आते हैं, गले लगते हैं, सभी यहाँ पर बहुत खुशियाँ मनाते हैं और आइसमैन मैवरिक से कहता है कि तुम अभी भी बहुत खतरनाक हो। अब मैवरिक का सीनियर उससे बोलता है कि हर जगह बस तुम्हारे ही चर्चे हैं, इसीलिए हम तुम्हारा प्रमोशन करना चाहते हैं।
और अब तुम्हें तुम जहाँ चाहोगे वहाँ पे पोस्ट दी जाएगी, तो तुम क्या चाहते हो? तो यहाँ मैवरिक कहता है कि मैं टॉप गन का इंस्ट्रक्टर बनना चाहता हूँ। और ये सुनते ही उसका सीनियर चौंक जाता है और कहता है कि अब तो ऊपर वाला ही उन बच्चों की मदद करे जिनको तुम ट्रेन करोगे। अब मैवरिक पहुँचता है टॉप गन और वहाँ जाते ही उसे चार्ली मिलती है। फिर ये दोनों करीब आते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।